हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो जियोट्रॉपिज्म को जानने से पहले हम अर्थ के बारे में जानते हैं। हमारा जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, पृथ्वी है, उसके बारे में जानते हैं कि उसमें एक फोर्स होता है जिसको कि ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ हर एक चीज़ को खींचती है, तो इसी ग्रेविटी फोर्स को लेकर के प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है उसी को कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म। अब प्लांट का रिस्पॉन्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट के बारे में हम जानते हैं कि प्लांट को अगर हम जनरली उसको डिवाइड करें तो उसके दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो शूट, एक तो रूट। शूट वो पार्ट हुआ जो कि सॉइल के ऊपर पाया जाता है, रूट वो पार्ट हुआ जो कि सॉइल के नीचे पाया जाता है। तो जियोट्रॉपिज्म ये हुआ कि जो ग्रेविटी फोर्स है उसके अगेंस्ट जो शूट होता है वो ग्रो करता है, जो रूट है वो उसके सपोर्ट उसकी तरफ से ग्रो करता है ग्रेविटी फोर्स की तरफ। तो इस तरह से जो इसका रिस्पांस हुआ जियोट्रॉपिज्म वो टू टाइप का हुआ, एक तो ये हुआ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ये है कि रूट क्या होता है, रूट का रिस्पांस पॉजिटिव होता है, वो सॉइल की तरफ जाता है, वो अर्थ के में अंदर की तरफ जाता है, तो ये हुआ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो शूट है वो उस ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट जाता है। ग्रेविटी फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है ना, सॉइल की तरफ, अर्थ की तरफ लग रहा है, ये अर्थ के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो। तो जियोट्रॉपिज्म टू टाइप के हुए, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जो रूट है उसमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हुआ, जो शूट है उसमें नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हुआ। तो जियोट्रॉपिज्म यही होता है कि प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है ग्रेविटी फोर्स को लेकर के उसी को जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।